अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है तुसा सारे दोस्त खैर खरीया नाल हो। सो मोहम्मद वकास वाली खिदमत च हाजिर है। तुसा रहे पे यूट्यूब चैनल किसान पॉइंट। दोस्तों अज असा गल करी है पोटाश खादा के हवाले के नाल। शार्ट जहाँ तुम तारुफ करे सू पोटाश खादा केड़ियाँ ते इन्हां दे केड़े केड़े अज्जा होंगे, फीडबैक दे विच खालिस मकदार पोटाश की कितनी होंगी है, दीगर अवामिल केड़े केड़े होंगे। तो सब तो पहले दोस्तों सारे को पोटाश दियाँ मुदरजा जैल दू इकसाम हैं या दू सोर्स हैं सारे को, जो स्क्रीन पर भी थोड़े सामने जहर थी पैन। इन्हें पहले नंबर पर एस ओ पी, दूजे नंबर पर थोड़े को एम ओ पी। पहले गल करी ने एस ओ पी के हवाले नाल। तो दोस्तों जी थोड़ी एस ओ पी है, एस ओ पी देे को फीडबैक दे पंजी किलो पोटाश हासिल थी है, तो नाल थानू 9 किलो सल्फर मिलती है। तो पहले गल करी ने सल्फर के हवाले नाल। दोस्तों सल्फर जोड़ा है ये एक किस्म का एंटी फंगस के तौर पर भी काम करी दे, नाल दे नाल थोड़े जमीन दे जी थोड़ी फास्फोरस फिक्स हो जाती है उसनु भी पौधे के इस्तेमाल गिन के आंदा है। दूजे नंबर पर असं हम गल करी ने एम ओ पी के हवाले नाल। तो दोस्तों एम ओ पी के पोटाश की मकदार ज़्यादा होंगी बनिस्बत थोड़ी एस ओ पी। एम ओ पी के थोड़ी पोटाश 30 किलो फी बैग होंगी है, तो नाल क्लोराइड मिलता है। ये जमीन वास्ते कोई बेहतर तसवर नहीं किया जाता। तो साल दे एक दफा तो एम ओ पी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुसलसल इस्तेमाल करे सो तो वजह तू थोड़ी जमीन दे नमकियात का जोड़ा तनासुब है वो ज़्यादा थी वे जड़ा कि जमीन वास्ते या पौधे या फसल वास्ते नुकसानदेह है। हुण गल करी ने कि पोटाश का पौधे का किरदार होंगे। तो दोस्तों पोटाश पौधे के अंदर खुराक का जोड़ा तवाजुन है उसनों बरकरार रख दी है। खुराक का जोड़ा एक थोड़ा सिस्टम है उसनों मैनेज बेहतर तरीके नाल मैनेज थी है। खुराक प्रॉपर तौर खुराक जी है वह पौधे के हर हिस्से तक पोटाश के जरिए पहुँचती है, जिदी वजह तो थोड़े पौधे की ग्रोथ भी अच्छी थी है, थोड़े पौधे उत्ते फ्लावरिंग भी अच्छी थी है, तो थोड़े पौधे की जी प्रोडक्शन है या फ्रूट है वह भी बेहतर तो बेहतर पकता है या बेहतर तो बेहतर तैयार थी है। उस तो बाद पौधे के अंदर थोड़े कीड़े मकौड़ों के खिलाफ थोड़िया बीमारियों के खिलाफ कूआ तो मुदाफियत भी ज़्यादा पैदा थी है। थोड़ी फसल का जोड़ा तना है वह मजबूत थी वेंदा है, मजबूत थी वेंदी है, नाल दे नाल उत्ते जेड़े भी मौसमी असरात हैं मौसम का स्ट्रैस है या मौसमी तब्दीलियां दे असरात हैं वह भी पोटाश दे नाल ख़त्म हो वेंदे हैं, या पौधे दे अंदर या फसल दे अंदर इतनी कुवत मदाफियत होंदी है कि वह उन्हां दा मुकाबला कर सके। तो उस बाद दोस्तों जी एक थोड़ी पोटाश की खालिस मकदार है ना वो तकरीबन 150 PPM होनी चाहिए है आम रूटीन दे विच थोड़ी जमीन दे विच पोटाश की मकदार। ऐसिया जमीन जिन्हां दे विच 150 PPM तक पोटाश की मकदार होवे वो जमीन बेहतर तसवर कीतियां वैनियां, तो उन्हां दे विच पोटाश वाफिर मकदार होंदी है। तो उन्हां दे विच उगावण वाली तमाम फसलां या पौधे जड़े वो माहौलियाती तब्दीलियां कीड़े मकौड़े या दीगर बीमारियों के खिलाफ अच्छी कूआ तो मुदाफियत रखते हैं, और उन्होंने प्रोडक्शन भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगी है और बेहतर होंगी है। फ्रूट का साइज भी अच्छा होंगे, फ्रूट के अंदर रस भी ज़्यादा होंगे है। तो ऐसिया जमीन जिन्हें 150 PPM तो कम पोटाश हो फसल भी अच्छी नहीं होंगी, कीड़े मकौड़ों का या बीमारियों का अटैक भी ज़्यादा होंगे है, तो प्रोडक्शन जी भी बेहतर नहीं होंगी। तो पाकिस्तान के ज़्यादातर जड़िया जमीन हैं उन्होंने 120 PPM तो भी कम पोटाश दस्तयाब है, जिसकी वजह तो सारिया जमीन पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सानू ये चाहिए कि कम अज़ कम असा हर फसल के पोटाश की कुछ ना कुछ मकदार जरूर इस्तेमाल करा ताकि सारी पैदावार एक इजाफा थी वे, नाल असं जितने फसलों के उत्ते कीड़े मकौड़े या बीमारियों के खर्चे कर रहे हैं तो वह भी सारे कम थी सन। जहर जल्द पोटाश की मकदार ज़्यादा होती तो फसल के फसल के कीड़े मकौड़े या बीमारियों के खिलाफ कूआ तो मुदाफिया ज़्यादा हो सी, तो फसल उत्ते बीमारियों का अटैक भी कम हो सी। जिस टाइम बीमारियों का अटैक कम हो सी तो सानू पेस्टिसाइड का या दीगर जोड़े जहर हैं उन्होंने खर्चा भी साड़ा कम थी वे सी। आखिर तो थोड़े कहने कि पोटाश की थोड़ी फसल कि कमी दियाँ निशानियां तो किस तरह तुम अपनी फसल का मुआयना कर सकते हो। उम्मीद करें थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो सी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ हासिल करने सारे चैनल सबसक्राइब करो, बेल आइकान प्रेस करो, तो वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि मज़ीद दोस्तों भी इस वीडियो तो फायदा हासिल हो सके। मिलते हैं एक नवे व्लॉग के नाल। अल्लाह हाफिज़।